नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। आपको बता दें कि इन दिनों भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। टी20 सीरीज 1-1 से बराबर होने के बाद अब बारी है टेस्ट सीरीज की। ये साल का भारत का अंतिम दौरा है और बहुत इंपॉर्टेंट दौरा भी है। इंग्लैंड में जिस हिसाब से हम 4-1 से पिटे, जो हमारे दावे थे कि भाई हम यहाँ पर सीरीज हमारी टीम सबसे बेहतर है, विदेशों में जाकर अब तक की भारतीय टीम की सबसे बेहतर टीम है, कहीं ना कहीं वो दावे जो है वो खारिज हो गए। लेकिन अब भारत के पास मौका है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में धूल चटाने का। डेविड वॉर्नर इस टीम में नहीं है, स्टीव स्मिथ इस टीम में नहीं है, मिचेल जॉनसन इस टीम में नहीं है। ऐसे में भारत के पास पूरी तरह से मौका है ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की जमीन पर पहली बार टेस्ट सीरीज में हराने का। हर कोई ये कह चुका है, कई दिग्गज बल्लेबाज ये कह चुके हैं, दिग्गज खिलाड़ी ये कह चुके हैं कि भाई अगर भारत को ऑस्ट्रेलिया में जीतना है तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। लेकिन आपको याद दिला दें कि इंग्लैंड में भी भारत के पास मौका था, लेकिन भारत मौके को भुना नहीं पाया। भारतीय तेज गेंदबाजी शायद जान रही है इस साल जितने भी विदेशी दौरे हुए हैं, और इस बार भी भारतीय तेज गेंदबाजी जो है आन बान और शान होने वाली है भारतीय टीम के लिए। लेकिन आपके बल्लेबाजों का प्रदर्शन भी मायने रखता है कि आपके बल्लेबाज किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि अगर आपके बल्लेबाज प्रदर्शन नहीं करेंगे तो शायद इंग्लैंड वाला हश्र यहां भी देखने को मिल सकता है। बहरहाल, विराट से निपटने का ऑस्ट्रेलिया ने क्या प्लान बनाया है ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही कहीं ना कहीं विराट कोहली को लेकर जो ऑस्ट्रेलियाई टीम में जो खलबली मची है, कई खिलाड़ी जरूर कह रहे हैं कि भाई हम विराट से निपटने का प्लान हमने बनाया है, या फिर विराट को हम हरा लेंगे, या फिर विराट से हम निपट लेंगे। ये सारी चीजें देखने को मिलने वाली है इस सीरीज में। क्या बड़ा होने वाला है और किस तरह से भारतीय टीम को फंसाने का प्लान बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने, ये भी हम आपको बताएंगे। और एडिलेड की पिच को लेकर काफी चर्चा गर्म हो गई है। दरअसल हरी भरी पिच देंगे साफ तौर पर एडिलेड के जो पिच क्यूरेटर है, एडिलेड के मैदान के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम हरी भरी पिच देने वाले हैं भारतीय टीम को, यानी कि पिच पर घास होगी तो भारतीय बल्लेबाज परेशान होंगे। साफ है कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी जो टीम करेगी उसको थोड़ा सा एडवांटेज होगा, क्योंकि आप शुरुआत में जो घास का फायदा उठा लेंगे वो सबसे बेहतर है। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्या है आज की ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स न्यूज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 दिसंबर से महाघमासान शुरू होने जा रहा है, जहां पर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। हालांकि भारत अब तक हुए ऑस्ट्रेलिया के 11 दौरों में एक भी बार टेस्ट सीरीज जीत दर्ज नहीं कर पाया है, लेकिन भारतीय टीम को इस बार भरोसा है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अब अपने सबसे खराब फेज में से एक से गुजर रहा है। बड़ी बात यह है कि भारतीय स्पिनर्स की बात की जाए तो रविचंद्रन अश्विन का नाम सबसे आगे माना जाता है, क्योंकि उनकी करीब 350 से ज्यादा विकेटें हैं टेस्ट मैचेस में। ऐसे में अश्विन ने हाल ही में बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, अश्विन को की तुलना ऑस्ट्रेलिया के शानदार ऑफ स्पिनर नाथन लियोन से की जा रही थी। किसी ने यह भी कहा कि अश्विन को लियोन जैसे गेंदबाजी करनी चाहिए तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया में विकेट मिलेंगी। साफ तौर पर अश्विन ने इस बात का करारा जवाब दिया। अश्विन ने कहा कि भाई इस तरह की गेंदबाजी अगर मैं करूंगा तो मैं बेवकूफ कहलाऊंगा, क्योंकि नाथन लियोन अपनी शैली के एक अच्छे गेंदबाज हैं, ऑलमोस्ट हमारे करियर की शुरुआत एक साथ हुई थी, लेकिन अगर मैं उनकी तरह गेंदबाजी करने लग जाऊंगा तो मैं ओरिजिनल कैसे रहूंगा। मेरी गेंदबाजी की एक अपनी शैली है और उनका गेंदबाजी का एक अपना स्टाइल है, अब इन दोनों स्टाइल को मर्ज ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। वैसे अश्विन का कहना सही भी है, क्योंकि अगर अश्विन को सफलताएं विदेशी पिचेस में मिली हैं तो उनकी ओरिजिनलिटी के बल पे मिली है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 दिसंबर से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है, जहां पर टीम इंडिया का पलड़ा थोड़ा सा भारी माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय टीम बेहतर संतुलित नजर आ रही है ऑन पेपर। लेकिन इस बार टीम इंडिया जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 के खिलाफ प्रैक्टिस मैच से वापस आई तो एडिलेड पहुंचकर टीम इंडिया ने पूरा अभ्यास किया। हालांकि टीम के जुड़े नए बल्लेबाज रोहित शर्मा ने जमकर प्रैक्टिस की। रोहित शर्मा को प्रैक्टिस मैच में ज्यादा प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला, ऐसे में रविचंद्रन अश्विन और रोहित शर्मा जमकर प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। हालांकि रोहित शर्मा का मजाक भी बनाया जा रहा है ऑस्ट्रेलियन मीडिया द्वारा। जी हां, खबरों की माने तो ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय टीम को हमने इतना थका दिया कि उनको आराम करने की जरूरत थी और सिर्फ रोहित शर्मा ही प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। बहरहाल, भारतीय टीम की आदत कोई नई नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम इंग्लैंड में भी आराम कर रही थी और इंग्लैंड में क्या हुआ ये हम सबने देखा। अब हम उम्मीद करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की कहानी दोबारा न दोहराई जाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हो रही 6 दिसंबर से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कोई टीम इंडिया का पलड़ा भारी बता रहा है तो कोई ऑस्ट्रेलिया को अपनी होम कंडीशंस की सबसे बेहतर टीम बता रहा है। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों से निपटने के लिए भारत के कई गेंदबाज तैयार किए गए हैं। जसप्रीत बुमराह काफी शानदार फॉर्म में है, साथ ही मोहम्मद शमी का इंग्लैंड दौरा काफी अच्छा रहा था और उमेश यादव और ईशांत शर्मा के आने से भारत का तेज गेंदबाजी आक्रमण मजबूत हुआ है।
इसी के साथ भारत का स्पिन आक्रमण भी काफी मजबूत है, लेकिन यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन से डर रहा है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, खबरों की माने तो ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विन के खिलाफ खेलने के लिए पूरी तरह से नेट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो ज्यादा से ज्यादा ऑफ स्पिन खेलते हुए नजर आए। हम सभी जानते हैं कि अश्विन फिंगर स्पिनर है, हालांकि फिंगर स्पिनर्स का उतना बोलबाला नहीं रहता ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अगर अश्विन अपनी कैरम बॉल और जो हवा में स्विंग कराने की उनकी एबिलिटी है, स्पिन कराने की भी जो एबिलिटी है, अगर उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं सही तरीके से, तो भारत ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकता है। और अश्विन भारतीय गेंदबाजी और उसकी अलग से भी स्पिन गेंदबाजी से एक एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 6 दिसंबर से खेली जानी है, जहां पर इस सीरीज को लेकर हर कोई काफी एक्साइटेड है। आपको बता दें कि भारत को इस बार जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ की गैर मौजूदगी पर काफी ज्यादा कमजोर दिखाई पड़ रही है। ऐसे में यहां पर भारत के पास मौका है ऑस्ट्रेलिया को पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हराने का। आपको बता दें कि भारत पिछले 11 बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर चुकी है, लेकिन एक भी बार भारत के हाथ सीरीज में जीत नहीं लगी है। हालांकि भारत 2003-2004 में दादा की कप्तानी में 1-1 से सीरीज बराबर करके आया था, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम लगातार हारती चली आई है। बड़ी बात यह है कि सीरीज से पहले ही भारत के लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी बज गई है। जी आपको बता दें कि हाल ही में पहले टेस्ट एडिलेड में होने वाली पिच के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है। एडिलेड की पिच के क्यूरेटर ने साफ किया कि पिच पर जमकर घास रहेगी और तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, यानी कि अगर हरी भरी पिच भारत को मिलेगी तो यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि एक पॉजिटिव ये भी है कि अगर हरी भरी पिच भारत को मिली तो भारतीय गेंदबाज भी कहीं पर भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को मौका नहीं देंगे, क्योंकि भारत के तेज गेंदबाज काफी ज्यादा मजबूत हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 दिसंबर से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है। ऐसे में हर कोई भारतीय टीम को मजबूत दावेदार बता रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी सपोर्ट कम नहीं है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के कई पूर्व खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई टीम को इस बार सपोर्ट कर चुके हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के पास भी मौका है भारत को अपने घर में हराने का। हालांकि डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ की गैर मौजूदगी में ऑस्ट्रेलियाई टीम कमजोर जरूर नजर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को हराया नहीं जा सकता या फिर भारत ऑस्ट्रेलिया को आसानी से हरा देगा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल ने साफ तौर पर कहा कि इस बार भारतीय बल्लेबाज अगर रन नहीं बनाएंगे तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज की जमकर परीक्षा लेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को भारत को आउट करना है तो विराट कोहली का विकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वहीं इयान चैपल ने यह भी कहा कि भारतीय टीम में विराट कोहली के अलावा कोई बल्लेबाज ऐसा नहीं है जो ज्यादा लंबी पारी खेल सके। ऐसे में एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया के पास होगा, क्योंकि वो अपनी होम कंडीशंस में खेल रहे हैं। हालांकि ये बात हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अपनी होम कंडीशंस में कितनी खतरनाक टीम है, लेकिन इयान चैपल ने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय टीम को अगर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना है या टेस्ट सीरीज जीतनी है तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों से उन्हें पार पाना होगा और भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने होंगे। प्रेडिक्शन की बात आई तो इयान चैपल ने कहा कि भारत ये सीरीज 3-1 से हार सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इयान चैपल का प्रेडिक्शन क्या पास होता है या फिर फेक। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 दिसंबर से महामुकाबला शुरू होने जा रहा है। जी हां, भारत का 70 साल पुराना इंतजार हो सकता है कि इस दौरे पर खत्म हो जाए। भारत अब तक ऑस्ट्रेलिया में 11 दौरे कर चुका है और इन 11 दौरों पर भारत एक भी बार टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया है, लेकिन इसके बाद अब इस बार टीम इंडिया के पास मौका भी है, दस्तूर भी है, और अगर भारत अच्छा प्रदर्शन करता है तो ऑस्ट्रेलिया से 70 साल से जो हिसाब लगातार चला आ रहा है वो चुकता करने का मौका आ जाएगा। बता दें आपको कि डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ की गैर मौजूदगी से ऑस्ट्रेलियाई टीम कमजोर जरूर पड़ी है और भारतीय टीम को इसी बात का फायदा उठाना है। आपको बता दें कि साल 2000 के बाद से भारत ऑस्ट्रेलिया दौरे पर करीब 4 से 5 बार गया है। ऐसे में भारत के हाथ सिर्फ 2 बार जीत लगी है और 5 मुकाबले भारत ड्रॉ कराने में सफल रहा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में भारत का रिकॉर्ड काफी खराब है। लेकिन इस बार आंकड़े बदलने का समय है और अगर भारत बेहतरीन तरीके से क्रिकेट खेलेगा तो भारत आसानी से ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है ऑस्ट्रेलिया में और पहली बार टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज कर सकता है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 दिसंबर से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है, जहां पर टीम इंडिया इस सीरीज की प्रबल दावेदार मानी जा रही है, क्योंकि टीम इंडिया कागजों पर ऑस्ट्रेलिया से मजबूत है। ऑस्ट्रेलिया का हालिया रिकॉर्ड काफी खराब रहा है, ऐसे में अपने घर पर ऑस्ट्रेलिया भारत को हराकर अपने रिकॉर्ड को सही ठीक करना चाहेगी। वहीं भारतीय टीम के पास ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हराने का ये एक बेहतरीन मौका है। भारत आज तक ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने विराट कोहली को लेकर एक बड़ा बयान दिया। जी हाँ, टिम पेन ने कहा कि विराट कोहली का विकेट हमेशा एक की विकेट होता है, ऐसे में हम विराट को आउट करने का खास प्लान बना रहे हैं, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम विराट के खिलाफ दूसरा तरीका भी अपनाएंगे। टिम पेन का मतलब साफ था कि अगर स्लेजिंग करनी पड़ गई टीम को विराट के खिलाफ तो वो जरूर करेंगे, क्योंकि उनके लिए जीत मायने रखती है। खैर, ऑस्ट्रेलियंस की आदत काफी पुरानी रही है स्लेजिंग की, लेकिन बॉल टेम्परिंग विवाद जो इस साल हुआ उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया टीम खासा कमजोर नजर आई, और अगर ऑस्ट्रेलिया टीम स्लेजिंग करेगी तो वो भी बखूबी जानते हैं कि विराट कोहली उसका कैसा जवाब देंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हो रही 6 दिसंबर से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले माहौल काफी गर्म है। जी आपको बता दें कि कई दिग्गज खिलाड़ी भारत की जीत की प्रेडिक्शन दे रहे हैं, तो कई खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया को जीत का प्रबल दावेदार बताया है। ऐसे में भारत के मध्यक्रम की शान कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा ने बड़ा बयान दिया। जी हाल ही में प्रैक्टिस सेशन के बाद साफ तौर पर पुजारा ने इंटरव्यू दिया, और मीडिया से बात करते हुए पुजारा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके बल्लेबाजों का प्रदर्शन इस बार काफी अच्छा रहेगा। पुजारा ने कहा कि इंग्लैंड में मिली हार से हमने काफ़ी कुछ सीखा है, और हम इस बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी उस गलती को नहीं दोहराएंगे। पुजारा ने यह भी कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रांची में एक दोहरा शतक ठोक चुके हैं, ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए। पुजारा ने कहा कि हमें यहाँ की बाउंसी विकेट काफ़ी पसंद आती है, और ऑस्ट्रेलियन विकेट पर खेलने का एक अनुभव अलग ही होता है। यानी कि पुजारा ने साफ कर दिया कि इस बार भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पुजारा का यह बयान भारतीय टीम को बूस्टअप करने के काम आता है। तो देखा आपने आज की ट्रेंडिंग खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी खबरें जरूर पसंद आई होंगी। आपकी क्या राय है भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज को लेकर, अपनी राय हमें जरूर भेजें। आपकी राय हम अपने प्रोग्राम में भी यूज करेंगे। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।